एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। वीडियो में हम कोई भी टॉपिक पर बात करें या कोई भी न्यूज़ को सुने, पर उससे पहले मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी को एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ऑल योर फैमिली मेंबर्स। जितने भी हैं आप लोग मुझे देखते हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है, मेरे जितने भाई बहन हैं जो हमें रेगुलर वॉच करते हैं, आप सभी को दिल से मेरी क्रिसमस। आई होप आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा बीते, आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड करें और इस दिन को एक यादगार दिन बनाएं। वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाली बातें पेरेंट्स के मुंह पर हैं, लोगों के मुंह में है, मुंह पर है कि भाई अब क्या होगा, क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, क्या हमारे देश की परिस्थिति पहले जैसी हो जाएगी, क्या अब हमें घर में कैद रहना पड़ेगा। बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये कोई मजाक नहीं है, COVID-19 वेरियंट BF7, बॉयफ्रेंड 7 नहीं, BF7, जो कि आप लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और मोर इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए। जो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे, बोर्ड कैंडिडेट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा है, आई एम नॉट ऑन माई सेटअप। यहाँ पर मैं आप लोगों की जो है अटेंशन खींचना चाहूँगा, ये न्यूज़ है ऑन 24th December, जो कि आप देख सकते हैं। यूजुअली मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि कैंसिलेशन की ऐसी कोई बात नहीं है, बट देश की परिस्थिति खराब रही तो नोबडी नोज कि कब क्या होगा एंड पोस्टपोन हो सकता है एग्जामिनेशंस। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा, कि लेट नाइट को जब मैंने न्यूजेस देखे, अपडेट्स देखे कि यहाँ पे हाई अलर्ट पर है, हमारी कंट्री की भी सिचुएशन कहीं ठीक नहीं लग रही है, 3000 ऑलमोस्ट केसेस आ चुके हैं, ठीक है ना, और चारों तरफ से अलर्ट जारी हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ तो आप देखते ही हैं, जानते ही हैं कि देश की हालात क्या हो रही है। एक्चुअली अभी मेरे थोड़ी देर बाद आज क्लास है, बट मुझे करना ही होगा बिकॉज टुडे इज संडे, यूजुअली आज क्लास बंद होती है, पर मैंने सोचा कि ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, आपको अपडेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे इंडिया में ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं, चाइना की हालत ख़राब है, ऑल अदर कंट्रीज़ का आप सुन रहे हैं, और यही मंथ है जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। दिसंबर से आपके कोविड स्टार्ट हो जाते हैं एंड अप्रॉक्स जनवरी और फरवरी तक आप लोगों के हाहाकार मच जाती है हमारे देश में, ऐसा हम लोगों ने देखा है। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम यूजुअली कंटिन्यू रहेंगे बिटवीन फरवरी टू मार्च के बीच में, अगर देश की हालत सच में ख़राब हुई तो आई डोंट नो व्हाट टू से। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स तो लिए जाएंगे आप लोगों के लिए, बट थोड़ी बहुत और भी पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग COVID-19, जो हम लोगों ने देखा है पिछले साल किस तरीके से एग्जाम को कैंसिल किए गए या जिन पेपर्स को कैंसिल नहीं किए गए उनकी मार्किंग स्कीम कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन वीडियो आप जरूर यूज़ करें। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 simple steps। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड। तो हरी अप, गेट बेनिफिट नाउ, आस्क फिलो। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे नेगेटिविटी में मत लेना, बिकॉज क्या होता है यूजुअली बहुत लोग थंबनेल देखकर जज कर देते हैं, कंटेंट नहीं देखते हैं एंड अदर क्रिएटर्स इस पर नेगेटिविटी फैला देते हैं। मैं आप ही की तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे थे और जब ऐसी टाइम आई थी तो हम लोगों ने यूजुअली क्या किया था और स्टूडेंट को क्या करना पड़ा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैंसलेशन होना ना होना वो लक के ऊपर है आपका, यूजुअली ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है ना हो, बहुत सारे का कहना है हो जाए। और मैं आपको यूजुअली बताता हूँ कि गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या स्टेप्स लेती है। वो लोग स्पेशल मार्किंग स्कीम निकालते हैं, आपको पता है कि इसमें कोई आपको फेल नहीं कराएगा, बिकॉज आपको अगर स्टूडेंट इसमें फेल होंगे ना बोर्ड एग्जाम में तो कोविड का दौर है, फिर आपका एग्जाम कहाँ से कराएगी गवर्नमेंट, दोबारा से क्वेश्चन सेट करना, दोबारा से सेंसर सेंटर सेट करना, ये सब नहीं हो पाता है। सो बेटर सबको प्रमोट कर देते हैं वो।
99.9% ऑफ स्टूडेंट पास हुए थे जब कोविड आउटब्रेक हुआ था बहुत ज़्यादा हमारे देश में, आपको लोगों को याद होगा, मैं ये बता रहा हूँ। कैंसल होना ना होना नोबडी नोज, कल आज 3,000 है तो कल 50,000 देश में केसेस रहेंगे, ऐसा होता आया है, हम लोगों ने देखा है, आप लोगों को जंप पता होगा, आप भी इस दौर में रह चुके हैं, जानते हैं। रही बात, मेरे हाथ में तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हाथ में सिर्फ न्यूज़ है आपको बताना। कैंसल करना इट्स अ डिफरेंट इशू, आपके गार्जियन करवा सकते हैं मूविंग टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जो हो चुका था पहले बार पिछले बार। अब रही बात, आप लोग इस चीज़ को नेगेटिव में ना लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ नेगेटिविटी में ना लें, और इस टॉपिक पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या केसेस हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर। सो हालांकि मैं कुछ समय बाद ही अपने सेटअप पर वापस चला जाऊँगा, और जो भी नोट्स हम कंटिन्यू कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था, आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अगेन। बट उससे पहले जो आप लोगों के कंसर्न है उसे क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देश की हालात कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, टेंशन की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमिक्स भी ख़राब होगा, बहुत सारी लाइफ बर्बाद होंगी फिर से, पता नहीं वो आप हो सकते हैं, हम में से हो सकते हैं, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये ऊपर वाले जानते हैं। बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा रहे, हमें भी इफेक्ट ना करे कोविड, गार्जियन को भी इफेक्ट ना करे, बोर्ड एग्ज़ाम भी हमें इफेक्ट ना करे, बोर्ड एग्ज़ाम से हमारी अच्छी रिजल्ट आउट हो, हम अच्छे से पास हों, यही हमारी ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स होगी, ज़्यादा हमें इशू ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप जरूर लाइक करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करेंगे पहली बार आए होंगे तो, और पहली बार आने से आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे कि येस आई एम द फर्स्ट व्यूअर एंड आई एम न्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिलैक्स रहें और बेशक आप पढ़ाई करते रहें, सबसे ज़्यादा इस कोविड में सबसे बड़ा सोल्यूशन है पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।